हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे और 8 बजे दो अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आज जो है वो करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी कुछ फैमिली के कुछ काम की वजह से, तो ये सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर का सेशन है जो कि मैंने अभी आपको 12 बजे है जो कि करवा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका जो एक क्लास है वो किसी भी तरीके से छूटे और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें। इसीलिए दोस्तों, सुबह 8 बजे वाली क्लास हो गई है 12 बजे, 9 बजे वाली होगी 2 बजे, और 10 बजे वाली जो क्लास थी उसको हम लोग करेंगे 3 बजे। इस तरीके से हम लोग आज का अपना सेशन है जो कि कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज पहली बार जो है वो दिन के अंदर ही क्लास करने वाले हैं। आई गेस पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये वाली जो अपनी क्लास है वो दिन के अंदर हो रही है। अदरवाइज ये क्लास या तो होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन मुझे लगा कि मैं 11 बजे बाद में जो है वो घर पे आ गया था, तो मुझे लगा कि इस क्लास को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। आप लोग बाद में देख लोगे जो लोग लाइव है जो कि नहीं देख पाएंगे, है ना, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है और आज है 23rd of September, तो 23rd of September के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस सेशन को रेगुलर देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को जो है वो मिलने वाला है। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन, आज के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला सवाल जो कि मैंने कल आपको दिया था कि कौन से राज्य ने बिल लेके आया है टू प्रोटेक्ट द इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर, ये करने वाला कौन है, कर्नाटक। तो सी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2021 दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, इंडिया की क्या रैंक है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, तो रिसेंटली ये रैंकिंग है जो कि अभी आई है, आंसर हो जाएगा आपका 46। ओके गाइस, आगे बात करते हैं, कैटले को स्टेट की फिश है जो कि कौन से राज्य ने दोस्तों रिकॉग्नाइज किया है, तो ये क्या है आपके, सिक्किम ने, तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर दोस्तों पहले न्यूजीलैंड खेलने वाली थी, उसने मना कर दिया, फिर इंग्लैंड खेलने वाली थी, उसने भी दोस्तों सिक्योरिटी कारण की वजह से मना कर दिया है। ओके गाइज, इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU 10 या फिर भुवनेश्वर लगा सकते हैं, आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ओके, आप ये UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम के अंदर है जो कि आप यूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 24th of September तक दोस्तों SSC कैटेगरी में आपको 15% जो आपकी प्राइसेस है वो डाउन है, उसके बाद रेफरल कोड से 10% और आपको एक्स्ट्रा ऑफ है जो कि मिल जाएगा, तो आप SSC का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं आपको कंप्लीट GK है जो कि पढ़ा रहा हूं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल अपना जो है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है 12 या 24 महीने पे, और यहाँ पे आपको BHU 10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइज, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी आपको, और ये सारे नए बैचेस अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। आज स्पेशल क्लास दोस्तों दिन में है और 6 बजे वाली तो है, और एक जो 10 बजे वाली थी वो दिन में है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है, अगर आपका कोई दोस्त जॉब कर रहा है, तो आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं 500 रुपये पर मंथ में, एक बच्चे को पढ़ाने के अंदर एफर्ट डाल सकते हैं। अगर आप नहीं तो किसी और को जो है वो बोल के ही जो है आप किसी बच्चे की मदद कर सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे जो कि दीपक के द्वारा भेजा गया है, गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। अक्सर दोस्तों लोग उल्टा करते हैं, जो चीज आपके हाथ में नहीं होती ना उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज आपके हाथ में होती है ना उसको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए, और ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, आपने अपना बेस्ट दिया, आप एग्जाम देके आए, उसके बाद में नहीं हुआ तो वो आपके हाथ में नहीं था, है ना। आपको उस चीज को समझना चाहिए कि जो आपने गलतियां करी उसको आप लेकर आगे बढ़ो और आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। आपके रिलेशनशिप वर्क ऑन नहीं करे, आपने पूरा एफर्ट लगाया, अब आपका दोस्त है वो दोस्त ना रहा, आपकी गर्लफ्रेंड ना रही, बॉयफ्रेंड ना रहा, तो उसका मतलब है कि आपके हाथ में ये नहीं था, आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। अक्सर लोग अटक जाते हैं, परेशान होते हैं जो चीजें उनके हाथ में नहीं होती है। तो गाइज ये चीज जो है बहुत जरूरी है कि जो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते उसको छोड़ दिया करो ऊपर वाले के हिसाब से, जो चीज आप चेंज कर सकते हो उसको लगा के एफर्ट करो। आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, आप जल्दी उठ सकते हो, देर तक पढ़ाई कर सकते हो, घर वालों की मदद कर सकते हो, किसी और की हेल्प कर सकते हो, ये चीजें आपके हाथ में होती है। तो जो चीजें आपके हाथ में है ना उनको करने की कोशिश करें, जो हाथ में नहीं है उनको ऊपर वाले की तरफ छोड़ दें, सब कुछ अच्छा होगा, भरोसा रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज के दैनिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दोस्तों बोला है, कुछ अनाउंसमेंट किया है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया और यूके के बीच में आप सभी को मालूम है दोस्तों धक्कम धुक्का चल रही है, किसको लेकर, वीजा को लेकर। यूके वाले दोस्तों इंडियंस को आने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने अलाउ नहीं कर रहे हैं।
इंडिया वालों ने बोला भाई हमने भी कोविशील्ड लगवा लिए तो अलाउ करो, यूके ने बोला कि चलो ठीक है हम कोविशील्ड को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आपके सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपको 10 दिन का जो क्वारंटाइन है ना उसकी 5 लाख करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के जो हमारा मतलब था कि भाई बाकी देशों को अलाउ कर दिया तो हमारे वालों को भी कर दो, तो वो उन्होंने नहीं किया है। तो अभी देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाओ वहाँ पे तब भी वो आपको अलाउ नहीं कर रहे, 10 दिन का क्वारंटाइन अभी भी उन्होंने बोल दिया है, लेकिन कोविशील्ड को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों योगेश सिंह जी को DU के नए VC जो कि अपॉइंट किया गया है, यहाँ पे अमरिंदर जी का स्टेटमेंट है, यहाँ पे WHO का दोस्तों ने ग्लोबल एयर के जो क्वालिटी के जो नॉर्म्स है ना उनको मजबूत कर दिया है और खतरनाक कर दिया है, इतने खतरनाक कर दिया है कि भैया हमारे तो बस की नहीं है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, इनको पालना करना है ना, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक जज ने बहुत ही अजीबोगरीब फैसला सुनाया, एक लड़का दोस्तों जो है लड़की छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, इनफैक्ट रेप तक का अटैम्प है जो कि उसने किया, उसके बाद में जब वो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब ये कोर्ट में केस गया, ओके, तो जज ने जो फैसला सुनाया वो क्या सुनाया कि 6 महीने तक महिला के कपड़े जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि धोने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो लड़का था वो धोबी था। हालांकि अगर कोई किसी ने आग वाक मारी हो तो उसके अंदर तो ये समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े केस के अंदर इस तरीके का फैसला थोड़ा बहुत ही अजीब गरीब है मतलब। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब है इसलिए यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर है जो कि आया है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कल आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड राइनो डे के ऊपर 2500 राइनो के जो सींग होते हैं, एक सींग का गैंडा का जो एक सींग होता है ना उसको जलाया गया, और ये मिथ है जो कि बस्ट किया गया कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में। इसका दोस्तों बहुत सारे लोग है जो कि पॉन्चिंग करते हैं, वन हाउंड राइनो को मारते हैं, उसका सींग काट के ले जाते हैं और उसको चाइनीज मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिन में ऐसा माना जाता है कि ये वहाँ पे आपके अल्कोहल को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो कि आपको मदद करता है। ओके, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ों में काम में लेते हैं, थाईलैंड कंबोडिया में इसको एक तरीके से स्टेटस सिंबल माना जाता है ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में लोग बेचते हैं इसको। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब गलत बातें हैं, वन और राइनो की वैल्यू तभी तक ही है तब वो उसके सिर के ऊपर हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 2500 हॉर्न जो कि पहले पकड़े गए थे उनको जलाया गया एक साथ गवर्नमेंट के द्वारा। ये पूरा का पूरा आपका फ्रंट पेज है, इसके अलावा दोस्तों और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बात करेंगे इस वाली न्यूज के बारे में जो कि एक है नीट के फ्रॉड के अंदर दोस्तों, यहाँ पे कई सारे कोचिंग सेंटर भी जो है उनको बुक करा गया है, 50 लाख रुपए दोस्तों ले रहे थे, प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठा रहे थे एग्जाम लिखने के लिए। सोचिए हालत कितने ज्यादा खराब है, मतलब नीट जैसा एग्जाम के अंदर भी 50 लाख रुपए लेकर किसी और को बिठाए जाने की यहाँ पे केसेस है जो कि देखने को मिले हैं। ओके, नागपुर के कोचिंग सेंटर है जो कि यहाँ पे मिले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम होगा कुछ महीने पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना एक पेटिशन लगाई गई थी, ठीक है, एक पेटिशन दायर करी गई थी किसी के द्वारा, और उसने बोला था कि जो लोगों की मृत्यु हुई है, ये बात मैंने भी आपको बहुत दिन पहले बोली थी, उसके अंदर कहना कि सरकार का फॉल्ट है, तो सरकार को कुछ अमाउंट है जो कि लोगों को देना चाहिए जिनकी कोविड की वजह से मृत्यु हो गई। हालांकि दोस्तों हमारे देश के अंदर ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 मिलियन लोगों की मृत्यु है जो कि कोविड में हुई है। सरकारी दोस्तों आंकड़ा हमेशा ही सही कम आता आया है, जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से तो खैर कोई ज्यादा नहीं है, 3-4 लाख के आसपास ही है जो कि सरकार के हिसाब से है। अब यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे होम मिनिस्ट्री को कि जिन लोगों को की मौतें हुई है उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन सरकार के द्वारा देना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दोस्तों अभी रिसेंटली इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA है उसने रिकमेंड किया है हमें कि 50,000 रुपए का अमाउंट है जो कि जिन लोगों की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है, जो लोग कोविड के अंदर काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई है उनको ये अमाउंट है जो कि दिया जाएगा। इसके अंदर सर्टिफिकेशन है जो कि रिक्वायर होगी, ओके गाइस, कोविड-19 का सर्टिफिकेशन है उनको ही मिलेगा। ये जो पैसा दिया जाएगा ये स्टेट के डिजास्टर रिस्पांस फंड में से दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो ये पैसा रिलीज करेगी। जब आप डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा दोगे, डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा दोगे, उसके 3 दिन के अंदर ये पैसा है जो कि आधार के रिलेटेड बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। समझ गए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है पैसा नहीं मिलता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि सारे मामलों को देखेगी। समझ गए मेरी बात, तो ये पूरा का पूरा मामला है जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है गाइस, चलिए अगर मैं बात करूं दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो 2005 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एनुअल बजट आप देख सकते हैं $50 मिलियन का है, और ध्यान रखिएगा NDMA के जो हेड होते हैं, जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, PM होते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन ये आता किसके अंदर है, होम मिनिस्ट्री में। इसी प्रकार से इन्हीं की दोस्तों एक फोर्स भी होती है जिसको नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है जो कि हम लोग कहते हैं।
समझ गए। 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 13,000 लोग काम करते हैं, 1200 करोड़ का बजट है। ओके गाइज, और अभी SN प्रधान साहब है जो कि इसके DG बने हुए हैं। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 के अंदर, ध्यान रखिएगा, पेपर में साल है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज, ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज। बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं मेरे ख्याल से आज सुबह, बहुत अभी किसी को पता नहीं है मेरे ख्याल से, शायद बहुत सारे लोगों की क्लास जो है वो आज 12 बजे हुई है। कल पूछेंगे मेरे से सुबह, सर कल की क्लास नहीं करी, क्लास नहीं करी, फिर उन्हें बताना पड़ेगा। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। आगे बात करते हैं WHO को लेकर। WHO ने दोस्तों ग्लोबल एयर की जो क्वालिटी है ना, उसके अंदर दोस्तों अपडेट किया है उसको। पहले WHO ने इससे पहले दोस्तों 2005 के अंदर ही अपडेशन किया था, और ग्लोबल एयर के जो पोल्यूशन के जो स्टैंडर्ड है ना, उसको और टाइट है दोस्तों जो कि कर दिए हैं, क्योंकि पोल्यूशन डे बाय डे ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है गाइस, हालांकि हमारे जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना, उसको ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग WHO के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, समझ गए मेरी बात। लेकिन पॉलिसी के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली उसका WHO के स्टैंडर्ड का फर्क है जो कि पड़ेगा। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटर स्टैंडर्ड है जो कि WHO ने कर दिए हैं, है ना, बहुत ही खतरनाक करें, ऐसे स्ट्रिक्टली इन्होंने पैरामीटर डाल दिए कि भैया हमारे तो बस की बात नहीं है। ये देखो, WHO ने दोस्तों 2005 में ये बोला हुआ था कि 2.5 का जो लेवल है पर्टिकुलेट मैटर का, समझते हो ना पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जो हवा में जो आपके छोटे छोटे जो कण होते हैं ना 2.5 माइक्रोग्राम के, वो 1 cm² एरिया में, इतने से एरिया में कितने कण है ये घूम रहे हैं, उसका क्राइटेरिया होता है ये। जैसे कि इतने एरिया के अंदर, मान लो ये 1 cm² एरिया है, इस एरिया में कितने एयर के अंदर कण है जो कि होंगे। ओके, ज्यादा होंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा जाएंगे तो हमें नुकसान करेंगे। 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन, 10 का मतलब है 10 माइक्रोग्राम, समझ गए। अब यहाँ पे देख सकते हो 2.5 में दोस्तों WHO का पहले भी स्टैंडर्ड बहुत खतरनाक था, इसने 10 बोल रखे थे कि 1 cm² में 10 माइक्रोन से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, 10 g/m³ बोल सकते हो या माइक्रोग्राम बोल सकते हो, एक ही बात है। चलिए, WHO ने दोस्तों अपडेट करके इसको क्या कर दिया है, और कम कर दिया है, 5 पे कर दिया है इसको, 5 पे, पहले 10 था अभी 5 कर दिया। हमारे इंडिया में दोस्तों जो हम लोग मान के चलते हैं वो 40 मान के चलते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत ठीक है, दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम थोड़ा बहुत खा लेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे 40 स्टैंडर्ड है, यानी कि ग्लोब WHO के हिसाब से दोस्तों ऑलरेडी हम लोग 8 गुना ज्यादा जो है वो नुकसान में चल रहे हैं। वैसे ही PM10 की बात की जाए तो पहले इनका 20 था, अभी इनको 15 कर दिया, और हमने दोस्तों यहाँ पे 60 है जो कि रखा गया है। 24 घंटे के अंदर हमने 100 का क्राइटेरिया है जो कि रखा हुआ है, इनका 45 का क्राइटेरिया है, 24 घंटे के अंदर 45, PM10 की बात कर रहा हूँ, और हमने 100 है जो कि यहाँ पे रखा गया। तो आप देख सकते हैं इतना ज्यादा डिफरेंस है ना, पहले भी दोस्तों 2005 के स्टैंडर्ड भी हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, अब ये वाले तो खैर हमसे बहुत ही आगे है इसके अंदर, तो मतलब इससे ज्यादा तो मेरे को लगता है कि मेरे इस कमरे के अंदर जो है पर्टिकुलर मैटर होंगे, क्योंकि इंडिया में दोस्तों धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, विदेशों में आपको देखने को नहीं मिलती है। विदेशों में अगर आप कोई पत्थर ढूंढने हुए ना, तो आप पूरा शहर का चक्कर लगा लोगे, आपको एक एक पत्थर कोई मिट्टी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि चप्पल झाड़ो, दोनों मिला के टक टक करो, नीचे मिट्टी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। पर्टिकुलर मैटर मैंने आपको बताया दिया है, ये क्या है, पार्टिकल पॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल हवा में और आपके लिक्विड ड्रॉपलेट का मिक्स है जो कि होता है। PM10 का मतलब है 10 माइक्रोमीटर और उससे छोटा साइज, 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोमीटर और उससे स्मॉलर साइज। सोर्सेस क्या क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको आते हैं, जो रोड होती है अनपेड और पेव्ड फील्ड्स होते हैं, स्मोक स्टैक्स होते हैं, फायर होते हैं, वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं। चलिए, कई सारे दोस्तों रिएक्शंस होते हैं केमिकल के, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के, उससे भी एयर के अंदर दोस्तों ये सब पार्टिकुलेट आपको देखने को मिलते हैं, पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, इनसे निकलते हैं। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि करते हैं आपके लंग्स के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, है ना, कई सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम होती है, इनरेगुलर हार्ट बीट हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, लंग के इन्फेक्शन हो गए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, कफ की प्रॉब्लम हो गई। इसी को दोस्तों हमने मद्देनजर क्या किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो कि हमने लॉन्च किया था। ठीक है गाइस, 2019 के अंदर 122 सिटीज के अंदर दोस्तों एयर पोल्यूशन को हम लोग टैकल करने की बात कर रहे थे। ओके, चलिए 2011 से 15 के बीच में जो स्टैंडर्ड थे ना, उसको मेंटेन करने की बात करी गई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ह्यूमन हेयर है 50 से 70 माइक्रोन का, इससे भी दोस्तों छोटा, देखो इससे भी कितना छोटा है जो कि ये पर्टिकुलर मैटर होते हैं। 2.5 देखिए, 10 देखिए, डस्ट होते हैं, है ना, छोटे छोटे से जो छोटे छोटे डस्ट है, मतलब बाल से भी बहुत छोटा होता है ये, समझ गए। चलिए, इस तरीके से आपके
रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। WHO की बात करें 48 में फॉर्मेशन हुआ, 7 अप्रैल को इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी दोस्तों मनाते हैं। WHO का फॉर्मेशन हुआ था इसीलिए। ओके, अभी टेड्रोस है जो कि डायरेक्टर जनरल है, जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 दोस्तों। यहाँ पे डाटा पॉइंट के अंदर बहुत ही बढ़िया डाटा दिया गया है, यहाँ पे रिलीजन को लेकर दोस्तों डाटा है जो कि दिया गया है। आपको मालूम है बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर मिथ आते हैं, आप बहुत सारे आपकी अफवाहें फैलाई जाती है, आजकल तो न्यूज़ वाले भी बहुत सारे अफवाहें फैलाते हैं रिलीजन को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे बर्स्ट किया गया है वो सारे के सारे मिथ की पॉपुलेशन का ट्रेंड दोस्तों इंडिया के अंदर कौन से रिलीजन का किस प्रकार का है। ओके गाइस, तो यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ अक्रॉस रिलीजन, तो जितने भी रिलीजन है सभी में स्टेबल ग्रोथ है जो कि देखने को मिली है। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी भारत की आजादी के बाद में जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुई है सभी रिलीजन के अंदर। ठीक है गाइस, अगर यहाँ पे बात करें सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन हुई है फर्टिलिटी रेट वो आपको मुस्लिम्स के अंदर देखने को मिलेगी, हाईएस्ट ड्रॉप। ओके, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी डिक्लाइन हो गई है। फर्टिलिटी रेट दोस्तों ओवर द टाइम धीरे धीरे सभी की कम होती जाती है, बिकॉज एजुकेशन बढ़ती जाती है तो लोग बच्चे कम करना पसंद करते हैं। तो फ्यू स्टडीज ने दोस्तों सजेस्ट किया है, वॉशिंगटन डीसी की बहुत बड़े थिंक टैंक है और दुनिया में बहुत सारे डेमोग्राफी के ऊपर रिसर्च है जो कि करते थे, इनसे बड़ी शायद रिसर्च कोई भी नहीं करता पूरी दुनिया के अंदर, तो इसके ऊपर आप इजिली मान सकते हैं। तो 98% लोगों ने ये बोला है कि जिस रिलीजन के अंदर वो पैदा हुए थे उसी रिलीजन के अंदर उनको देखने को मिले हैं जब वो बड़े हुए हैं, यानी कि कन्वर्जन का कोई चांसेस यहाँ पे नहीं बताए गए हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे 1951 से 61 के बीच में और 2011 के बीच में द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ मुस्लिम जो है वो 32% रिड्यूस हुई 51 से 61 और 24% रिड्यूस हुई 2001 से 2011 के बीच में। ओके गाइज, उसी प्रकार से हिंदूज की जो ग्रोथ रेट है वो भी 20% से गिरकर 16% हो गई। तो फर्टिलिटी रेट का दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप आउट है जो कि बताया गया है। 1992 के अंदर एक मुस्लिम महिला एवरेजली दोस्तों 1.1 बच्चों को ज्यादा जन्म दिया करती थी कंपेयर टू हिंदू, लेकिन 2015 के अंदर ये जो डिफरेंस 1.1 का था वो घट के कितना हो गया है 0.5 का है जो कि हो गया है। तो यहाँ पे पूरा ये देखिए 4.4 बच्चे हैं जो कि एवरेजली एक मुस्लिम महिला के हुआ करते थे 1992 के टाइम पे, अभी गिर के 2.6 के ऊपर आ चुके हैं। उसी प्रकार से हिंदुओं में 3.3 बच्चे थे 1992 के टाइम पे, अभी ये गिर के 2.1 पे आ चुके हैं। क्रिश्चियन में 2 पे आ चुके हैं, बुद्धिस्ट में 2.9 से 1.7, सिख के अंदर 2.4 से 1.6 और जैन के अंदर भी 2.4 से गिर के 1.2। तो सभी जगह पे एवरेज जो है सभी जगह पे आपको डाउनफॉल है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है गाइज, और कंपोजिशन के अंदर भी बहुत ही मिनिमम चेंजेस है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, चलिए और आप पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन देख सकते हो आप, है ना, 9.8% से 14% हुई। हिंदू की पॉपुलेशन 84% से 79% हुई बिकॉज ऑफ द एजुकेशन रेट। ओके, और जो डाउनफॉल है वो ज्यादा रहा लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज कम हुआ। उसके अलावा क्रिश्चियन, जैन, बाकी सबके ऑलमोस्ट सिमिलर से जो है यहाँ पे स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। 50 सालों के अंदर पॉपुलेशन जो है मात्र 5% बढ़ी मुस्लिम की और हिंदू की जो है वो 5% घटी है। ओके, पिछले 50 सालों का ये ट्रेंड है, पिछले 50 सालों का ये ट्रेंड है और आने वाले सालों के लिए बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे फेक मैसेजेस है जो कि 2050 का बोल के डराते हैं या 2100 का बोल के जो है फेक चीजें हैं जो कि प्रमोट करते हैं। ठीक है, चलिए 2050 का भी यहाँ पे बताया गया है कि 77% टोटल पॉपुलेशन है जो कि हिंदूज की होगी। ओके, अभी 79% है, 50 साल बाद में भी 77% पॉपुलेशन। इंपैक्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करें तो 0.7% दोस्तों हिंदू में, 0.8% मुस्लिम में ऐसे लोगों ने माना है कि जो वो पैदा हुए थे और जो अभी है वो उसके धर्म के अंदर डिफरेंस है, यानी कि बहुत ही पॉइंटों के अंदर चेंज है जो कि यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हैं 81.6% को रेस किया गया है हिंदू की तरफ से, करंटली आइडेंटिफाइड है, कैसे वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं तो 81.7%, तो बहुत ही कम चेंजेस है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये अगर 2100 की बात की जाए कि आने वाले 100 साल बाद में क्या ट्रेंड होगा तो भी दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर है, 75% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन एंड सो ऑन, और पॉपुलेशन 2050 के बाद में कम होगी, आपको पता होना चाहिए। ओके, 2000 से 2050 तक पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसके बाद में वापस से डाउनफॉल आएगा इंडिया की पॉपुलेशन का और हम लोग वापस से 1.5 बिलियन के ऊपर है जो कि पहुंच जाएंगे क्योंकि एजुकेशन रेट बढ़ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 दोस्तों, तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में बात करेंगे और एनडीए एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर एन रवि साहब जिनको रिसेंटली दोस्तों
तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया है। इन्होंने अपने इंटरलॉक्यूटर की जो पोजीशन थी, इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है जो मीडिएटर होता है, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है दोस्तों 82-83 बैच के। और नागा इश्यू जब था, मैंने आपको नागालैंड के इश्यू के बारे में पढ़ाया था ना कि वो क्या चाहते हैं, नागा जो लोग हैं वो चाहते हैं ग्रेटर नागालिज्म बनाना, जिसके अंदर क्या होगा कि अरुणाचल, आसाम, म्यांमार इन सबका एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। वो पॉसिबल है नहीं, वो चाहते हैं खुद का फ्लैग हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो पॉसिबल है नहीं। तो ये नागा इशू है। तो इसको अब वहां पे क्या है, एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि बना हुआ है, जिसका नाम है नेशनल NSCNIM। तो इसके अब ये वायलेंस क्रिएट करता है वहां पे, तो इसको हमने क्या किया, इसके साथ में डील है जो कि हमने एग्रीमेंट है जो कि साइन किया कि भाई तू गोलीबारी वाली मत कर, इंसर्जेंसी मत करो, बैठ के कुछ मैं इसका आंसर निकालते हैं। तो इसके अंदर जो मेजर रोल था ना वो आरएन रवि का था पिछले 5 सालों के अंदर, तो इन्होंने अभी रिजाइन है जो कि इस पोजीशन से कर दिया है। ठीक है गाइस, ओके। और 2000 के अंदर इन्होंने इनके साथ में बातचीत करने के लिए भी मना कर दिया था, बोला एक गोली देते हैं, इन्होंने गोली देख के क्या हुआ कि कुछ टाइम निकाल दिया। नागालैंड के गवर्नर एक्चुअली में 2019 के अंदर है जो कि इनको बनाया था, उसी के बाद से इन्होंने बातचीत जो कि स्टार्ट करी थी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं एनडीए को लेकर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट, देखिए गवर्नमेंट ने बोला था कि अगले मई के अंदर हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे और एनडीए के अंदर गर्ल्स को भी इंक्लूड कर देंगे, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर और स्ट्रिक्ट है और उसने बोल दिया है कि नवंबर के अंदर अगला जो अटैम्प आएगा जो अभी, उसके अंदर लेने में आपको क्या समस्या है, आपके पास में इतने पैसे हैं, इतना कुछ है, इतना आपके पास में लोग हैं काम करने वाले, आप तो स्ट्रक्चर कभी भी बना सकते हो और एग्जाम होएगा, एसएसबी होएगा, जब तक ज्वाइनिंग आएगी तब तक तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे। तो यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वेनेसडे को जो है वो पुश किया आर्म फोर्सेस को कि अपनी रेपुटेशन के बिहाफ पे वो बेस्ट रेस्पॉन्स दे एज ए टीम के बिहाफ पे, और इमरजेंसी सेवा के तौर पे दोस्तों क्या करें, ये काम करें। और महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी जो अपना एनडीए का एग्जाम है उसके अंदर नवंबर इस साल के अंदर जो है इंक्लूजन है जो कि किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी प्यार से जो है ना, कई बार तो प्यार से जो है वो इतनी बुरी तरीके से लेता है कि सामने वाले के पास जवाब भी नहीं। तो इतना प्यार से बोला है आर्मी को कि आपकी रेपुटेशन के हिसाब से काम करो, मतलब आप तो बहुत तेज काम करते हो यार, वॉर के टाइम पे देखो आप कैसे काम करते हो, तो उस हिसाब से काम करिए और आप इसी बार में इंक्लूड कर लीजिए इनको। अब क्या बोले कोई इनको, समझ गए। चलिए तो इस बार के तौर पे दोस्तों नवंबर के अंदर जो है एग्जाम है जो कि देने को मिल सकता है लड़कियों को। ओके गाइस, मस्ट लिव अप टू देयर रेपुटेशन एज द बेस्ट रेस्पॉन्स टीम वी हैव, आर्म फोर्सेज हमारी बेस्ट टीम है इंडिया के अंदर, तो उनकी रेपुटेशन सुप्रीम कोर्ट सही है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 को लेकर। पेज नंबर 11 की बात करें गाइस, तो हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे सोनी और जीके एक्विजिशन को लेकर। एफडीआई के बारे में इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में बात करेंगे। एफडीआई दोस्तों हमारे यहाँ पे $20 बिलियन का अभी तक आ चुका है। ठीक है, तो है ना $20 बिलियन है जो कि अभी करंट फिस्कल के अंदर यानी कि अप्रैल जुलाई के अंदर जो कि आ चुका है, जो कि पिछले साल से दोस्तों, पिछले साल कोविड था आपको मालूम है, हालत बहुत खराब थी इकोनॉमिक के, लॉकडाउन था इस वाले टाइम के ऊपर अप्रैल से लेकर जून वाले टाइम पीरियड में, तो उस जुलाई वाले टाइम पीरियड में, तो उससे डबल जो है अभी एफडीआई है जो कि हमें देखने को मिला। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी जो सबसे ज्यादा यहाँ पे एफडीआई आया है इनफ्लो वो आया है आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा, उसके बाद में आपके हार्डवेयर सर्विस इंडस्ट्री, कर्नाटक दोस्तों टॉप नंबर के ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद में दिल्ली है। अगर मैं इस अप्रैल जुलाई क्वार्टर के बारे में बात करूं तो $20 बिलियन का एफडीआई है जो कि आया है, जो कि लास्ट ईयर 2021 था, ठीक है, लास्ट ईयर जो 2021 जो फाइनेंशियल ईयर था उससे 2x सही है। अगर एफडीआई के बारे में दोस्तों टोटल में बात करूं ना, तो 2021 के अंदर से 2021 के अंदर भी इंडिया ने 19-20 के कंपेयर में 10% की ग्रोथ है जो कि अचीव करी थी। ओके, इंडिया के अंदर जो आने वाली, जो देखो इंडिया एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पे बहुत सारी कंपनी आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बनेगी, क्योंकि अभी क्या है कि डेवलपिंग कंट्री हम लोग, अभी स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ पे कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी अभी कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस होना चालू हुई है, मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल पेनिट्रेशन अभी थोड़े साल पहले आया है, 5 साल पहले, अभी बहुत सारी कंपनी है जो कि बनेगी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनेगी। तो फॉरेन से भी लोग क्या कर रहे हैं कि इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी के अंदर, यानी कि इंडिया के जो कंपनी के शेयर मार्केट शेयर है जो कि खरीद रहे हैं, और वो मेजर दोस्तों एफडीआई का सोर्स है जो कि हमारे यहाँ पे आ गया है, समझ गए। 2019-20 के अंदर देखिए $74 बिलियन एफडीआई है जो कि आया था, ठीक है गाइस, और उसमें से $50 बिलियन तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट था, यानी कि शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो कि किया गया था, ठीक है गाइस। चलिए, और मैक्सिमम हाईएस्ट शेयर जो एफडीआई का था वो सऊदी अरेबिया के द्वारा देखने को मिला था। सिंगापुर ने दोस्तों टॉप एफडीआई सोर्स किया, यूएस और मॉरिशस नेक्स्ट थे, और हाईएस्ट जो इंक्रीज हुआ था ना वो सऊदी के द्वारा हुआ था। वैसे नंबर वन पे तो सिंगापुर, मॉरिशस,
यूएस है, यही कंट्रीज है जो कि हमेशा रहते हैं। ठीक है, टॉप इन्वेस्टर हमारा सिंगापुर था, 1/3 पैसा सिंगापुर से देखने को मिला, उसके बाद में यूएसए से, उसके बाद में मॉरिशस से। ओके, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो सऊदी अरेबिया से देखने को मिली लास्ट ईयर के अंदर 2020-21 के बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि पेपर में सवाल क्वार्टर का नहीं पूछता, पूरे साल का पूछता है, लास्ट ईयर का पूछेगा 2020 का। ओके, तो 90 मिलियन डॉलर से दोस्तों इसलिए 2.8 बिलियन डॉलर का ग्रोथ है जो कि अचीव किया सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, यूएस के द्वारा भी जो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट था वो डबल हो गया, यूके के द्वारा भी डबल हो गया। गुजरात दोस्तों टॉप डेस्टिनेशन बना 2020-21 के अंदर, 37% पैसा यहीं पे आया, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में इक्विटी फ्लो के अंदर कर्नाटक थर्ड पोजीशन के ऊपर था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो टॉप सेक्टर थे दोस्तों, 44% शेयर जो है टोटल एफडीआई इनफ्लो यहीं पर ही हुआ, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए, और दो तरीके से पैसा लगता है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट, डायरेक्टली आप पैसा लगा लेते हो, और एक होता है गवर्नमेंट के रूट के माध्यम से, आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके पैसा जो के लगाते हो। एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ये फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है ना उनको हेल्प है जो कि ये पोर्टल अवेलेबल करवाता है, और आप एप्लीकेशन डाल के इन्वेस्टर है जो कि यहाँ पे बन सकते हो। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे पंकज आडवाणी के बारे में। ठीक है, पंकज आडवाणी ने 24th वर्ल्ड टाइटल है जो कि यहाँ पे जीत लिया। ओके, IBFC का एक 6 रेड स्नूकर टूर्नामेंट होता है, 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप है जो कि होता है। ओके, पाकिस्तानी प्लेयर को हरा के इन्होंने जीता है। इसके अलावा इंडिया दोस्तों ITF 15 के टूर्नामेंट भी होस्ट करने वाला, टेनिस का टूर्नामेंट है। ओके, ये दिल्ली गुड़गांव के अंदर करवाया जाएगा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फ्रंट पेज पे कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, 2-3 दिन पहले हमें एक खुशखबरी मिली थी, इनोवेशन इंडेक्स के अंदर हमने 2 रैंकिंग अप करी थी, 2 दिन बाद में एक सैड न्यूज आई कि हमारी रैंकिंग थोड़ी सी गिर गई है। किसके अंदर? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर हमारी इंडेक्स में रैंकिंग 59 है, इससे पहले 57 है जो कि हुआ करती थी। 5 पैरामीटर के ऊपर रैंकिंग दी जाती है हमारे यहाँ पे, ई गवर्नमेंट काम कैसा होता है, ई सिक्योरिटी कैसी है, इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी कैसी है, ई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है। समझ गए, ये 5 पैरामीटर के ऊपर आपको मेथडोलॉजी के हिसाब से आपको दुनिया की 90% पॉपुलेशन जो है वो कवर करी गई और उसके द्वारा रिसर्च निकाली गई। सबसे टॉप में डेनमार्क, साउथ कोरिया, फिनलैंड, इजराइल और यूएस, बॉटम में इथोपिया, कंबोडिया, कैमरून, ग्वाटेमाला और अंगोला। ओवरऑल दोस्तों कंट्री नाउ कम्स 17th इन एशिया, हम लोग 17th के ऊपर है एशिया के ऊपर, है ना। ई सिक्योरिटी हमने इंप्रूव करी है लास्ट से, और इनफैक्ट चाइना से भी हायर है, और जो जिसने बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस करी है वो है बांग्लादेश। ओके, चारों के चारों पिलर के ऊपर 5 में से बहुत ही खतरनाक जो है उसने काम किया, और सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है जो कि बांग्लादेश ने दी है। बांग्लादेश जिस तरीके से तेजी जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें पर कैपिटा इनकम में तो पीछे कर ही दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सब चीजों में आगे निकल जाए, मतलब तो बांग्लादेश जो है बहुत ही खतरनाक स्पीड से काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारे पड़ोसी देश तरक्की करे और इससे हमें क्या चाहिए, इससे बढ़िया अच्छी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया और यूएई को लेकर। इंडिया यूएई लुक टू साइन अर्ली हार्वेस्ट डील बाय स्टार्ट ऑफ 2022। तो हम और यूएई दोस्तों दोनों क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मल ट्रेड नेगोशिएशन है जो कि कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, 2021 के दिसंबर में करेंगे, 2022 से लागू हो जाएगा, हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज होगी उसके ऊपर हम लोग टैक्सेस को रिलीफ देंगे। समझ गए, तो हम इससे क्या होगा कि जो हमारे दोनों देशों के बीच में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। ओके, बायलेटरल मर्चेंडाइज ट्रेड जो है हमारा टारगेट है, हम इसको 100 बिलियन डॉलर के ऊपर लेके जाए, और सर्विस सेक्टर को हम लोग 15 बिलियन डॉलर तक आने वाले 5 सालों के अंदर लेके जाए। समझ गए, तो अब ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप अपने टैक्सेस में थोड़ा सा फायदा पहुंचाओ। ठीक है गाइस, इसी तरीके का दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन यूनियन के साथ में भी आने वाले देशों के आने वाले टाइम में करेंगे, क्योंकि इन सारे कंट्रीज के साथ में हमारे ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ में हम अफोर्ड कर सकते हैं, जितना बेचेंगे उतना खरीद भी लेंगे, लेकिन चाइना हो गया, ओके, जापान हो गया, कोरिया, इनके साथ पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये लोग बेचते बहुत ज्यादा है हमको, हम इनको इतना सामान नहीं बेच पाएंगे। चाइना तो ऐसा है कि मतलब धड़ल्ले से यहाँ पे पता भी लगता, बायकॉट चाइना लिखा हुआ होगा और पता लगा वो टी शर्ट भी चाइना से आ रही है मटेरियल उसका, है ना, इस तरीके से करता है। ठीक है, चलिए, और ये वाली बात हो गई है, इसके अलावा कुछ और इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, जी और सोनी का दोस्तों मर्जर होने वाला है, और देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट नेटवर्क है जो कि ये बनने वाला है। ओके, सोनी पिक्चर जो है दोस्तों वो खरीदने वाला है जी नेटवर्क को, और जी नेटवर्क को 1.58 बिलियन डॉलर जो है वो कैश पैसा भी जो है मिलेगा इस एंटिटी को आगे बढ़ाने को लेकर। ओके, जो जी एंटरप्राइज के लोग थे उन्होंने मर्जर के लिए अप्रूवल दे दिया है। पोस्ट मर्जर के बाद में जी के पास 47% और सोनी के पास 53% मर्जर इक्विटी होगी। ओके, और
ठीक है। और सोनी की जो सेल थी वो 58,000 करोड़, मतलब नियर बाय 6,000 करोड़ की थी, और जी की जो है 8,000 करोड़ की थी। लेकिन जी के अंदर क्या बहुत प्रॉब्लम चल रही है एक्चुअली, के अंदर जी के अंदर जो प्रेजेंट डायरेक्टर्स है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, स्टेक होल्डर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उनको हटाना चाहते थे, समझ गए मेरी बात। और इसी वजह से, मतलब ये प्रॉब्लम की वजह से, जी नेटवर्क के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने उन्होंने इसको बेचना ही में ही समझदारी है जो कि उनको लगी, जी नेटवर्क, ठीक है, ये जी एंटरटेनमेंट है मतलब। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोनी यहाँ पे इन्फ्यूज करेगा 1.57 बिलियन। और चलिए ठीक है, इससे क्या होगा, इनकी इक्विटी, इसके लिए स्टॉक मार्केट में प्राइसेस भी थोड़े से हाई हो जाएंगे। 5 साल पुनीत गोयनका जो है सीईओ कंपनी के बनेंगे रहेंगे, है ना। चलिए ओके, कंबाइंड जो मिला के जो है ये देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट नेटवर्क है जो कि बन जाएंगे। पहले दोनों एक दूसरे के राइवल हुआ करते थे। चलिए उसके अलावा डिज्नी और 21st सेंचुरी फॉक्स का भी मर्जर है, वो प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन आने वाले दिनों के अंदर वो भी फास्ट है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। जनसत्ता की बात करें तो ये आपका फ्रंट पेज है, और यहाँ पे दोस्तों कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है जो कि है दोस्तों यहाँ पे एवर ग्रेट क्राइसिस को लेकर। लेमन्स ब्रदर के बारे में आप सभी को मालूम होगा, 2008 के अंदर डूबा था दोस्तों, और उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आ गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर दोस्तों 2008 के टाइम पे डोनेशन दे दे के इस कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे थे। कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज तो डबल शिफ्ट में चला रहे थे, इंजीनियरिंग रात को भी पढ़ा रहे हैं मतलब, और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे लेमन ब्रदर डूबा दोस्तों, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के, आईटी वाले बच्चों के जो है वो बहुत बड़ी चिंता सता गई, और वो रिसेशन दोस्तों हम लोग तो झेल गए लेकिन दुनिया नहीं झेल पाई थी उस रिसेशन को। हमारे यहाँ पे तो खैर ठीक है, मनमोहन सिंह थे मतलब, उस जमाने के अंदर भी दोस्तों हमारी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़बरदस्त थी और दुनिया काफ़ी हैरान थी, है ना। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कैसे हो लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही खतरनाक थे। ओके, तो देश को संभाला काफ़ी बढ़िया था बुरे टाइम पे उन्होंने। चलिए तो ग्लोबल मार्केट के अंदर दोस्तों शार्प स्लाइड है वापस से आपको देखने को मिल सकती है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि चाइना की जो सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी है एवरग्रेट, वो दोस्तों यहाँ पे दिवालिया होने की कगार के ऊपर है। हालांकि बोला जा रहा है कि बचा लेंगे, लेकिन देखते हैं दोस्तों कब तक बचेगी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है दोस्तों जो कि हो गया है एक्चुअली में। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम कर दिए, जितनी डिमांड नहीं थी ना उससे ज्यादा सप्लाई अवेलेबल करवा दी। अब क्या हो चुका है दोस्तों, $300 बिलियन जो है ना ओके मार्केट से ओन करता है, लेकिन लोग इनका पैसा है जो कि देने को तैयार नहीं है। जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउन हो गई है, शेयर के प्राइसेस भी दोस्तों नीचे कर गए हैं, 800 प्रोजेक्ट जो है इनके पेंडिंग में चले गए हैं मतलब, समझ गए। और जो सप्लायर है वो अपने पेमेंट का वेट कर रहे हैं, कस्टमर जो है प्रोजेक्ट को खत्म होने का वेट कर रहे हैं। लोगों ने ले तो लिया लेकिन ये खत्म करने का इनके पास में पैसा नहीं है। ओके गाइस, इसके वजह से दोस्तों ये देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में क्या था, डिजिटल बिजनेस में चाइना ने क्या किया, इंट्रूजन किया। आपको मालूम है डिजिटल बिजनेस में चाइना क्या कर रहा था, सारी कंपनियों को अपना क्रैकडाउन कर रहा था, तो लोगों ने डर के मारे क्या किया, डिजिटल से पैसा निकाल के रियल एस्टेट में डाल दिया, समझ गए। रियल एस्टेट के अंदर पैसा है जो कि लगा दिया। ओके गाइस, और बहुत हाई बोरोइंग है जो कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स की हो गई, बहुत हाई बोरिंग हो गई मतलब। ओके चलिए ठीक है गाइस, अगर ग्लोबल क्राइसिस की बात करें तो चाइना दोस्तों दुनिया के वन ऑफ द मेजर ड्राइवर है ग्लोबल इकोनॉमी का। स्लो डाउन अगर चाइना में होगा तो पूरी दुनिया के अंदर होगा, पूरी दुनिया में उसके रिपरकशन का मतलब होता है, कंसिक्वेंसेस है जो कि देखने को मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, और पिछले 3 क्वार्टर का जो कंट्री का हाउस होल्ड का जो पैसा है वो हाउसिंग सेक्टर में लोग लगा चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी उनको घर नहीं मिल रहा है तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई है। ओके तो देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा इसका, इंडिया के ऊपर भी दोस्तों इफेक्ट होगा, क्योंकि हमसे चाइना के अंदर आयरन ओर है जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये आयरन ओर की डिमांड कम हो जाएगी तो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका फर्क है जो कि पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे विष्णु एक्स को लेकर। विष्णु एक्स क्या है, एक दोस्तों एक मैमल है जिसके फॉसिल जो दुनिया में नहीं है पहली बात तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके जो फॉसिल है ना वो रिसेंटली दोस्तों जर्मनी के अंदर मिले हैं। ओके ये बहुत ही पुराना मैमल है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये हिमालयन फुटहिल्स में पाया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये यूरोप के अंदर है जो कि पाया गया है। ये 12 से 14 मिलियन ईयर पहले दोस्तों एशिया वाले एरिया में हुआ करता था, जहां पे पानी होता है ना वहां पर ये हुआ करता था, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है तो डिस्कवरी करी गई तो पता किया गया कि इसने जर्मनी तक ट्रैवल किया था। ओके पानी की वजह से नेपट्यून विष्णु के तौर पर इसको नाम माना जाता है, विष्णु एक्स इसका नाम है जो कि रखा गया। इसका जो लोअर जॉ है ना ये वाला पार्ट है जो कि अभी रिसेंटली मिला है, इस तरीके से बोलते हैं कि ट्रैवल करते हुए पानी की तलाश में आगे तक है जो कि पहुंच गया था। ठीक है और उसी टाइम पे 12 मिलियन पहले ही एल्प्स की पहाड़ियों का बनना चालू हुआ था। आगे बात करते हैं वर्किंग ऑफ जर्मन इलेक्शन दोस्तों, जर्मनी के अंदर भी इलेक्शन आने वाले हैं। एंजेला मार्कल का दोस्तों सक्सीड नए चांसलर है जो कि अपॉइंट करने को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके गाइज यहाँ पे पार्लियामेंट में बहुत ही सिंपल तरीका है इलेक्शन का, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके नियर बाय 6 करोड़ लोग वोट करेंगे जिसमें से
2.8 यानी कि 30 लाख लोग पहली बार है जो कि वोट करने वाले हैं। पहले वोट कर देते हैं, वोटिंग काउंट होती है यहाँ पे। बुडेस्टैंग इनकी पार्लियामेंट का नाम है ये वाला, ठीक है गाइस। बुडेस्टैंग जो है इनकी पार्लियामेंट का नाम है, लोअर हाउस है ना, जैसे लोकसभा है हमारे वैसा। ओके गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि 299 सीटें तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, और 299 सीटों के ऊपर आप अपने कैंडिडेट है जो कि उतारते हो। इलेक्शन होते हैं, दो वोट डालने पड़ते हैं हर आदमी को, और यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट है जो कि 598 पार्लियामेंटेरियंस के ये बन जाती है। समझ गए, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है जो कि होता है। सेंटर राइट यूनियन ब्लॉक पार्टी, एक तो सेंटर राइट पार्टी जिसमें एंजेला मार्केल की पार्टी भी है और उनके अपोजिशन वाली भी है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वो है सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स, ठीक है। एक तो डेमोक्रेटिक यूनियन है और एक सोशल डेमोक्रेट है, दो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आपको यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सितंबर 21 वर्ल्ड अल्जाइमर डे। आपको मालूम है दोस्तों, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है अल्जाइमर की, ओके। और इससे क्या होता है कि दिमाग में आपके भूलने की भूल बहुत ज्यादा जाते हो आप, भूलने की बीमारी होती है एक तरीके से। डिमेंटिया का मेजर कॉज है जो कि अल्जाइमर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपका ब्रेन जो है ना, उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। डीजेनरेटिंग ब्रेन सिंड्रोम, आपकी मेमोरी, थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशन सबको इफेक्ट है जो कि ये करता है। आपके सेल में चेंजेस करेगा, नर्वस में, नर्व में चेंजेस करेगा, ठीक है गाइस। चलिए, और लॉस ऑफ मेमोरी इसका एक इंडिकेटर है जो कि बताया जाता है ना। WHO के हिसाब से 18 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जो कि अल्जाइमर से, 1.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अल्जाइमर से ग्रसित हैं, और 2025 तक दोस्तों एस्टिमेशन 34 मिलियन, 3.4 करोड़ तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मेजरली जो है ये आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। हर 71 सेकंड के अंदर एक को अल्जाइमर है जो कि दुनिया के अंदर हो रहा है, ठीक है गाइस। चलिए, तो इसी डे को अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इसको मनाने के लिए बोला गया। ग्रीक फिलोसोफर थे दोस्तों पाइथागोरस, ओके। 7th century BC के अंदर उन्होंने सबसे पहले दोस्तों ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में जब बात करी थी ना, ओके, तब उन्होंने मेंटल और फिजिकल डिटेरेशन के बारे में बात करी थी कि इंसान की कैपेसिटी सोचने की, फिजिकल की भी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे सीनियम टर्म है जो कि उन्होंने दिया था। 1901 के अंदर दोस्तों एक अल्जाइमर एक जर्मन पर्सन थे, उन्होंने डायग्नोज किया था पहली बार एक जर्मन लेडी के अंदर ये वाला डिजीज, और इस डिसऑर्डर को उन्हीं के नाम पर दोस्तों नाम है जो कि दिया गया था, ठीक है गाइस। चलिए, राइनो डे की बात करें, 21 सितंबर को होता है, जैसे कि मैंने कल आपको राइनोज के बारे में बता दिया था, और ठीक है ये सब मैंने आपको कल पढ़ा दिया था वैसे राइनोज के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि वर्ल्ड रोज डे, ओके। वर्ल्ड रोज डे के बारे में बात करें 2021 के बारे में दोस्तों, तो ये वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो कैंसर के पेशेंट है उनको दोस्तों ट्रिब्यूट के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको हौसला देने के लिए दोस्तों रोज डे की शुरुआत है जो कि करी गई, जो इस डिजीज से फाइट कर रहे हैं उनको मोटिवेशन के लिए दी गई। 22 सितंबर को ये मनाया पूरी दुनिया में जाता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, आज के इतिहास की बात करें तो इंडिया में कुछ खास नहीं है। 1965 के अंदर इंडो पाक वॉर जो है वो एंड हुई यूएन के मैंडेट के बाद में। 32 के अंदर द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का फॉर्मेशन है जो कि हुआ था, ओके। वोकैबुलरीज की बात करें गाइस, तो स्वीपिंग का मतलब है वाइड इन रेंज, जब आप बहुत ज्यादा वाइड रेंज होती है ना उसको स्वीपिंग कहते हैं, ठीक है, वाइड रेंज। ड्विडलिंग का मतलब है डगमगाना। एम्बोल्डन का मतलब है, एम्बोल्डन का मतलब है साहस देना, करेज देना किसी को, ओके। रेटिसेंट का मतलब है कम बोलने वाला, है ना, रेटिसेंट। कुएं का मतलब है बिगाड़ना, कोई चीज खराब करना। और इनसाइट का मतलब है कोई भी चीज जो कि हो चुकी है ना उसको समझने की कोशिश करना, वापस से रिट्रोस्पेक्ट करना, यानी कि पहले की चीजों को देखना, क्या गलती हुई क्या नहीं, उसको अपन यहाँ पे ये वर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों फन फैक्ट की बात करें तो आपको मालूम है इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे, आप लोगों में से मैंने भी बहुत सारी शादियों में बिन बुलाए खाना खाया, आपने भी खाया होगा हमेशा स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, कहीं पे भी शादी हो रही है बस अच्छे कपड़े चाहिए। बचपन में तो मैं जिस कॉलोनी में रहता था ना, उस कॉलोनी के अंदर इतने सारे लोग जाते थे खाना खाने के लिए, मतलब छोटे छोटे बच्चे हम सबको भी लेके जाया करते थे, बोलते थे दिवाली के कपड़े पहन के आ जाओ चुपचाप, हम आ जाया करते थे दो दो करके शादियों में घुसा करते थे। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो है अनवांटेड जो है वो शादी में आते हैं। एक बार तो मेरे कज़न की शादी के अंदर भी कोई पकड़ा गया था, पकड़ा तो वो बोलता भैया टेररिस्ट पकड़ा है, सब लोगों की टेंशन हो गई ये कौन है टेररिस्ट। बाद में पता लगा बिन बुलाया मेहमान था जिसको एक आदमी ने पकड़ लिया था, उसको वहाँ पे उस गांव के अंदर उसको टेररिस्ट बोलते थे एक्चुअली के अंदर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर तो देखो बुलाने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप आते हैं। लेकिन दोस्तों जापान में, अमेरिका में, जो ऐसे कंट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, जिनके पास लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पे दोस्तों शादी में लोगों को पैसे देके जो है वो बुलाना पड़ता है। खाना भी खाओ पैसे भी दो,
है ना, इस तरीके का कल्चर है जो कि दोस्तों देखने को मिलता है। तो दोस्तों जापान के अंदर भी दोस्तों ऐसा ही होता है, मेहमानों को खरीदा जाता है, पैसे और खाना दोनों है जो कि उनको मिलते हैं। ठीक है, आज है दोस्तों स्पेशल क्लास दिन में और शाम में 6 बजे वाली क्लास भी है, ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो अनअकैडमी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10 या भुवनेश्वर लगाना ना भूलिए, आपको 10% ऑफ मिलेगा। SSC में ऑफर चल रहा है, 15% प्राइसेस कम है अभी, लेस है, उसके बाद 10% और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा जो है। ठीक है, आप UPSC बैंक SSC 30+ एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, गोल सेलेक्ट करिए अपना, यहाँ पे प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने में, और BHU 10 है जो कि आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, BHU 10 और ठीक है, और एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन गाइज दिलाने की कोशिश करिएगा। एक बच्चे को पढ़ाने की अगर आपको कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है तो उसको जरूर मोटिवेट करिएगा। ओके, एक बच्चे की पूरी डिटेल आपको 2 दिन में मिल जाएगी। SDJ प्रोग्रेस अवार्ड दोस्तों कौन से लीडर को दिया गया है? वर्ल्ड राइनो डे किस तारीख को मनाते हैं? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दोस्तों कौन से ईडन बीच जो है कौन से राज्य में है? वर्ल्ड रोज डे फॉर कैंसर पेशेंट किस तारीख को मनाया जाता है? और वर्ल्ड राइनो डे कब मनाते हैं? ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मिलेंगे कल वापस से अपनी। आज 2 स्पेशल क्लास है, एक तो है 2-3 बजे और एक है 6 बजे, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।